हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी सर। अब ये वॉचमैन भला क्या बताएगा? बताएगा बताएगा बताएगा। हाँ बताएगा। बलदेव जी, देखो इस आदमी को, इस आदमी को तुम पहचानते हो क्या? ये आदमी सर, सर ये तो वही आदमी है जो उस रात वहां आया था, और सब इसी आदमी ने मुझे बेहोश किया था गौरव भरम सुनाकर। इसी आदमी ने आपका नाम लेकर चुनीलाल से 5 लाख रुपए लिए, और इसी आदमी ने बलदेव को भी बेहोश किया, और हो सकता है इसी आदमी ने सुहासिनी का भी खून किया हो। तब बताइए आपका इस खून से संबंध है या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। देखिए इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर राकेश, अगर आपको कुछ कहना है तो इसी वक्त कह दीजिए। आप इस आदमी को जानते हैं और हम इस आदमी को आज नहीं तो कल ढूंढ ही निकालेंगे। फिर आपका क्या होगा क्या मालूम। एसीपी साहब, मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, ताकि आपको यकीन तो आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। ठीक है, इस आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करो। हमारे साथ साथ मिस्टर राकेश भी इससे मिलना चाहते हैं। अभी तक तो कुछ ही पता नहीं चल रहा है। इस पब्लिक फोन नंबर से कैसे कुछ पता चलेगा? सिक्का डाला और फोन हो गया, कोई पास में बैठता भी तो नहीं है। वैसे भी हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं, कैसे पता चलेगा? मुश्किल है। इसीलिए तो एक भी दुकानदार, एक भी आदमी इसे पहचान नहीं पा रहा है। ये पान वाले, हाँ, इन पान वालों को सब पता रहता है कि कौन कहाँ आता जाता है। ये अपने आंखें कान हमेशा खुली रखते हैं। पान वाले ना हमसे बड़े जासूस होते हैं दया, इन्हें सब पता होता है। वो देखो एक उधर है, चलो। भाई साहब जरा देखो इस आदमी को, कभी देखा है? जानते हो इसे? हाँ जानता हूँ, ये तो रोज आता है। रोज यहाँ पर आता है? कहाँ रहता है, कुछ मालूम है इसके बारे में? अरे नहीं साहब, इतना सब तो मैं नहीं जानता। हाँ वो सामने वाले बस स्टॉप से बस जरूर पकड़ता है, और रोज सुबह यहाँ 5 मिनट खड़ा रहकर सिगरेट पीता है बस। अच्छा, सुबह कितने बजे आता है ये? कुछ 9 और 9:30 के बीच में। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अगर वो हर सुबह वहां से बस पकड़ता है तो वापस भी वहीं आता होगा। तुम लोग मुर्जा संभाले रखो, निगाहें खुली रखो। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो शायद वो हमें मिल ही जाएगा। दो घंटे हो गए, वो आदमी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। देखते हैं, आएगा आएगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। सब वो देखिए, वो आदमी जो अभी अभी बस से उतरा है, कहीं वो तो नहीं है? ये वही है, पकड़ ले से। नहीं दया, जरा रुको, ये काफी घबराया हुआ लग रहा है। एक मिनट देखते हैं। पर ये यहाँ रुक क्यों गया, जा क्यों नहीं रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा हो। इंतजार? लेकिन किसका? शायद दूसरी बस का इंतजार कर रहा होगा सर। हो सकता है। देखो ये हमें मिल गया है, बाकी जाएगा कहाँ, देखते हैं क्या गुल खिलाता है ये। सर ये देखिए एक ऑटो आके रुका है। हाथ? किसी को इशारा कर रहा है। सर किसी लड़की का हाथ लगता है। ये कहाँ जा रहा है? अरे ये तो ऑटो में बैठ गया। दया पीछा करो इसका। यस सर। वो आगे दया, तीसरा ऑटो वहां से। बोरा कार के आगे लेफ्ट में, फास्ट फास्ट, राइट राइट राइट, बहुत देख। काम करो, ऑटो को ओवरटेक करके लेफ्ट में दबा दो। हाँ इधर ये रहा।
चल बारा। पैसे चाहिए तुझे हैं? 5 लाख रुपए चाहिए? तो ये देखिए अंदर कौन बैठा है। बारा आओ। राखी ले चलो इसे भी। चलो आशा। सर इस बैग में पूरे 5 लाख रुपए हैं और ये बैग हमें जतिन के घर से मिला है। अच्छा तो ये है वो 5 लाख रुपए जो तुम दोनों ने लिए थे हुँ? और फंस गया बेचारा राकेश। सर जतिन को पैसों की जरूरत थी और जब चुन्नीलाल सुहासिनी मैडम को 5 लाख रुपए देने आया और उसने थप्पड़ खाया तो तुमने सारा प्लान बना लिया। तुमने एक लेटर तैयार किया लेकिन उस लेटर पर सुहासिनी मैडम के साइन कैसे लिए? मैडम के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैं ही तैयार करती थी और बाद में मैडम उन पर साइन कर देती थी। वो पढ़ती भी नहीं थी कि मैंने उन पर क्या लिखा है। और एक दिन मैंने बहुत सारे पेपर्स के बीच में वो पेपर भी रख दिया और मैडम ने बिना पढ़े साइन कर दिया। और तुमने राकेश बनकर चुन्नीलाल को फोन किया और बाद में उसे लेटर देकर उससे पैसे लिए। बाद में चुन्नीलाल मैडम के पास आए। उसने मैडम से बोला कि उसके पास कोई सबूत है जिन्हें वो कोर्ट में दिखाएगा। मैं डर गई। मुझे लगा हम फंस जाएंगे इसलिए तुम दोनों रात को सुहासिनी के घर गए? इतनी रात गए? कहीं शेखर वापस तो नहीं आ गए? राखी तुम? हाँ मैडम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या बात थी राखी जो तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? मैडम वो ये कौन है? मैडम ये मेरे मंगेतर हैं जतिन। नमस्ते मैडम। मैडम उस लेटर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। लेटर? तुम क्या जानती हो उस लेटर के बारे में? मैडम वो लेटर मैंने ही लिखा है। तुमने? हाँ मैडम और मैंने ही धोखे से उस पर आपके साइन ले लिए थे। ओह माय गॉड क्यों? मैडम जतिन को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ मैडम और हमें लगा कि इस रास्ते से आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। मगर मैडम अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मैडम हमें माफ कर दीजिए। अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। जेल तो तुम्हें जरूर होगी। तुम दोनों ने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैंने उन पर शक किया। तुम्हें क्या लगा सिर्फ माफी मांगने से तुम बच जाओगी? मंगेतर है ना ये तुम्हारा? हाँ मैडम। जेल से आने के बाद ही शादी करना। नहीं मैडम प्लीज नहीं। मैडम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। आपके पति से भी माफी मांग लेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर आपने पुलिस को बुलवाया तो हमारे करियर पर बात हो जाएगा। मैडम चुप रहो। वहां बैठो और तुम यहां बैठो। ये सफाई पुलिस को ही देना। नहीं मैडम प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। राखी फोन छोड़ो। मैडम प्लीज पुलिस को मत फोन कीजिए। राखी फोन छोड़ो। मैडम प्लीज। राखी फोन छोड़ो कहा ना मैंने? मैडम प्लीज मैडम लगता है ये तो मर गए। अब हम क्या करें राखी? चलो यहां से भाग चले। कम ऑन राखी लेट्स गो। राखी एक मिनट फोन में तुम्हारे उंगली के निशान। ये लो साफ करो जल्दी यहां से निकलो। लेट्स गो राखी। सर
हमने मैडम को जानबूझकर नहीं मारा, जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। आप झूठ बोल रही हैं राखी जी। हाँ, टेबल से सर टकराना एक एक्सीडेंट हो सकता है, मगर सर पर किसी चीज से जोर से मारना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये खून करने का अच्छा प्लान था। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि सुहासिनी के गिरने के बाद आपने उनके सर पर लोहे की किसी भारी चीज से जोर से वार किया, इसी से उनकी मौत हो गई, वरना सर पर दूसरी चोट का निशान कहां से आता? नहीं सर, हमने मैडम के सर पर कुछ नहीं मारा सर, सर बिलीव मी। हाँ सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन था? सर कोई नहीं था, हम दोनों वहाँ अकेले गए थे सर। लेकिन वॉचमैन ने तो बोला था कि वहाँ 2-3 आदमी थे। सर वो झूठ बोल रहा है, जब वहाँ गए थे तब वो सो रहा था। सो रहा था? हाँ सर, सर लगता है उसने पी रखी थी। हाँ, और जब हम वहाँ से भागे थे तब भी वो सो रहा था सर। जब वो सो ही रहा था तो तुमने उसे क्लोरोफॉर्म क्यों सुंघाया? क्लोरोफॉर्म नहीं सर, सर मैंने उसे कुछ नहीं सुंघाया सर। अच्छा, जरा वॉचमैन को बुलाओ। तो तुम उस वक्त ड्यूटी पर थे और तुम्हें एक आदमी दिखा? जी। दो आदमियों ने तुम्हें पीछे से पकड़ा और एक ने तुम्हें बेहोश किया, है ना? जी जी सर। और जिसने तुम्हें बेहोश किया वो जतिन था, तुमने उसे पहचान भी लिया है? हैं? हाँ सर। बलदेव, अब तुम सच सच बताई दो। सर, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ सर। सच सच बताओ, बताओ। सब बोल रहा हूँ सर मैं। सच बताओ। असल में कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी सब, इसलिए मेरी आंख लग गई। पता नहीं सब कौन आया कौन गया। फिर जतिन का नाम कैसे लिया है? ये उसने तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया था? सब मुझे लगा कि आपको उस आदमी पर शक है, इसलिए आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं। तो सब मैंने सोचा मैं हाँ कह दूं। अच्छा, तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि वहां कौन आया था? नहीं सब, मुझे तो सब सिर्फ इतना मालूम है कि किसी ने मेरी नाक पर हाथ रखा सब, मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया साहब। फिर झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको तो पता ही है साहब, मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बलदेव, इसे तुम जितनी बार पूछो उतनी बार ये नई कहानी सुनाएगा। चलो मान लिया कि इसे किसी ने बेहोश किया, मगर राखी तो कह रही थी कि उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि राखी और जतिन के जाने के बाद कोई और घर में घुसा हो। नहीं, सुहासिनी के मौत से चुनीलाल को कोई फायदा नहीं है। राकेश, ये तो पता चल गया कि राकेश सच बोल रहा है। खून के वक्त ये यहां शहर में था ही नहीं। जतिन और राखी लगता है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन पर शक है। खून के वक्त जमुना दास एक पार्टी में था, मगर हो सकता है किसी और से इसने ये खून करवाया। बलदेव, हो सकता है किसी के कहने पर बलदेव ने ये खून किया है। बलदेव की इंक्वायरी शुरू करो। हाँ दया, बलदेव के इतिहास के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, उसके प्यार व्यार के बारे में पता चला है। दया, तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहा था, प्यार व्यार के बारे में नहीं। वही तो बता रहा हूँ सर, बलदेव को बोतल से बहुत प्यार है और नौकरी से नफरत है। पक्का शराबी है सर ये। सर 2-3 जगह से नौकरी से निकाला जा चुका है और अब विनय के यहाँ लगा है काम पर। उसके साथ काम करने वाले वॉचमैन ने भी बताया कि उसे जल्दी ही यहाँ से भी लात पड़ने वाली है सर। कमाल है, ऐसे दारू पीने वाले वॉचमैन को सुहासिनी जी की रखवाली के लिए क्यों भेजा गया? विनय ने राकेश से कहा कि बलदेव उसका सबसे अच्छा गार्ड है। विनय का दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? नहीं सर, विनय का दिमाग खराब नहीं है, बल्कि ये उसी का दिमाग चला है। आपने सुहासिनी जी के यहां बलदेव को ही क्यों भेजा? आप जानते हैं बलदेव बोतल को छोड़ के किसी और चीज की रखवाली कर ही नहीं सकता। सॉरी सर,
गलती हो गई। घर का एक एक कोना, एक एक फाइल, एक एक किताब छान मारो। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये क्या तरीका सर, आप लोगों ने पूरा घर पलट के रख दिया। ये तो कमाल हो गया, ये देखिए क्या मिला। जमुना दास की बेटी माया और विनय की फोटो। यानी सुहासिनी जी का दुश्मन जमुना दास की बेटी माया। सर ये देखिए, विनय की गाड़ी से मिला है टूल किट, पर इस पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। से डॉक्टर सालों के क्या भेजते हैं, उन्हें सब कुछ दिखता है। एकदम साफ है, लगता है जैसे दूध से धोया गया है, पर खून कितना भी साफ कर लिया जाए कभी छिपता नहीं। एसीपी साहब, मैंने इन सब पर एक केमिकल लगा दिया है, अब अगर इनमें जरा सा भी खून लगा होगा तो फौरन सामने आ जाए। ये देखिए एसीपी साहब, ये लाल निशान, ये खून ही है। ये खून किसका है कब तक पता चल जाएगा? बस मैं आज ही इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता हूं, जल्दी हमें पता चल जाएगा कि ये खून सुहासिनी का है या नहीं। हाँ तो विनय जी, टेस्ट करने तक रुके या आप अभी कुछ कहना चाहते हैं? टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खून सुहासिनी जी का ही है। मैंने ही सुहासिनी का खून किया। क्यों? क्योंकि मैं और माया शादी करना चाहते थे। मुंह देखो इसका, मुंह देखो, यही एक हीरा मिला था तुझे। इन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो अब क्या, मैं तुझे गले लगाने वाला हूँ? एक दिन माया ने मुझको बताया कि सुहासिनी ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है और वो जीतने वाली है। फिर उसने कहा कि अगर मैं सुहासिनी का कुछ कर दूं तो शायद पापा शादी के लिए राजी हो जाएंगे। तो अचानक एक दिन राकेश का फोन आया कि वो कोई जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और उसे एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। तो तुमने सबसे बेकार दारूबाज सिक्योरिटी गार्ड बलदेव को वहां भेज दिया। बलदेव को क्लोरोफॉर्म तुमने सुंघाया था? जी, जब मैं घर में घुसा तो सुहासिनी जी जमीन पर गिरी हुई थी। सुहासिनी जी, सुहासिनी जी विनय, एक ही बार में ढेर हो गई। अब हो जाएगी तुम्हारी शादी माया से, और मैं इसके बारात में नाचूंगा। जमुना दास जी, आपको इसका प्लान मालूम था, माया ने बताया था ना आपको। शुभ शुभ बातें करो, मैं किसी का खून क्यों करवाऊं? आप पूछ लो माया से कि इसने मुझे बताया था क्या? हाँ। भगवान, बेटी तूने ये क्या कर दिया? जमुना दास जी, आपकी बेटी ने सच बता दिया। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.